अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए AK-47 का मॉडिफाइड और नॉर्मल वर्जन का कंपैरिजन, और आपको बताएंगे कि किस तरह मॉडिफिकेशन की जाती है। जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं आप, ये एक नॉन मॉडिफाइड AK-47 शॉट मॉडल है, और जो राइट पे है ये एक मॉडिफाइड है। वैसे तो ये AK-56 है, बट हम लोगों ने आपको कंपैरिजन कराना था कि फर्क क्या क्या हो सकता है, तो इसलिए ये तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये एक सिंपल वेपन है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ओरिजिनल अपनी हालत में है। यहां से भी देख लें इसको, तो ये अब हम रख देते हैं साइड पे, और अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हो सकती है। और ये आप अपने सामने जो देख रहे हैं, जैसे AK-47 मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाइड खुद ही किया हुआ है, खुद ही सारी चीजें एक्सेसरीज वगैरह अटैच की हुई है। ऊपर स्कोप है, फ्रंट पे लेफ्ट साइड वाली लाइट है, राइट वाली लेजर है, साइड पे भी रेल बनी हुई है, इसके ऊपर भी आप एक्स्ट्रा चीजें अटैच कर सकते हैं। तो ये जो इसके ऊपर जो लेजर लगी हुई है और जो लाइट्स है और जो स्कोप है, ये कंप्लीटली प्रोफेशनल है, खिलौना नहीं है। वो किस तरह के जो आप ये लेजर देख रहे होंगे, आपको कैमरा अगर दिखाए तो ये लेजर काफी बड़ी है, और इसके साथ इसकी जीरोइंग की मैकेनिज्म भी है, इसी तरह नीचे भी है ये एक। तो इससे आप अपनी कंप्लीट वेपन को जीरो कर सकते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। तो ये लेजर भी एक्सपेंसिव आती है काफी, जो प्रोफेशनल होती है वैसे तो खिलौने होते हैं और लोग शुगल के लिए लगाते हैं, बट यूज भी इसका कम है, कॉम्बैट में ज्यादा यूज है, बट कॉम्बैट हमारे ऑफकोर्स फोर्सेस के अलावा यहां पर जरूरत नहीं है लोगों को। तो इसको अब हम लोग बंद कर लेते हैं। अब मॉडिफिकेशन कहां आती है और ये चीजें किस तरह अटैच होती हैं, तो मैंने जो अभी आपको पहले जो नॉर्मल वाला वर्जन दिखाया था उसके ऊपर इस तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप रेल नहीं फिट कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको फ्रंट ग्रिप और ये ऊपर नीचे की कुछ इमेंडेड पार्ट्स लेने पड़ते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी इस तरह की रेल फिक्स हुई होती है। अब आप अगर इसकी रेल देखें तो इसकी रेल प्लेन है, इसके ऊपर स्कोप नहीं लग सकती, बट अगर आपने इस पर स्कोप लगानी है तो आप इसका ये वाला फ्रेम उतारेंगे, बॉडी इसकी जो ये ऊपर वाला पार्ट है, और या तो इसके ऊपर आप वेल्ड कराएंगे रेल, या तो आप बनी बनाई ऑलरेडी जो कि मार्केट से मिल जाती है उस तरीके की, जो कि ये अभी हम लोगों ने इस पे ली हुई है। अब आप इसकी रेल देखें, इसकी रेल के ऊपर इटसेल्फ एक रेल बनी हुई है, ऊपर एक पोर्शन बना हुआ है जिसके ऊपर आप रेल फिट करते हैं, और उसके ऊपर आप डिफरेंट चीजें, ये इस रेल के ऊपर ये वाली रेल फिट होती है, और डिफरेंट चीजें आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसकी अगर आप फ्रंट पार्ट देखें तो ये प्लेन है, इसके ऊपर भी राइट लेफ्ट रेल नहीं होती, तो ये भी चेंज होती है। ये जब चेंज होती है तो इस तरह की बॉडी आ जाती है जिसके लेफ्ट राइट रेल्स होती हैं, नीचे आप ग्रिप पीट लगा सकते हैं, इधर भी आप कोई साइट लगा सकते हैं, बट क्या करना है इतनी सारी चीजें लगा के, काफी सारा वेट भी इसका इंक्रीज होता है, यहां पे भी जगह है, यहां पे भी जगह है। बाकी इसका जो बट है दोनों का सेम ही है, मूवेबल बट है इसका, दोनों आपके सामने रखती हैं, आप लोगों को फर्क पता चल जाएगा। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है, ये ओरिजिनल नॉन मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये था तकरीबन इनका फर्क आपके सामने है। तो आज हमने आपको दिखाया है मॉडिफाइड वर्जन और नॉन मॉडिफाइड वर्जन। इंशाल्लाह आपके लिए और भी मजे मजे की इस तरह की वीडियोस इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। ये था आज आपके लिए AK-47 मॉडिफाइड एंड नॉन मॉडिफाइड वर्जन का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा। We'll be right back.